प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर किए गए शिलान्यास के तहत जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो सकेगा। अमृत भारत योजना के तहत विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन आम यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन हेरिटेज लुक में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आधुनिक पार्किंग व्यवस्था सहित उच्च स्तरीय तकनीक, स्वचालित एक्सेलेटर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आजादी का अमृत काल चल रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अमृत काल हमारा कर्तव्य काल भी है और इस कर्तव्य काल में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का निर्धारण करते हुए देश के विकास के अंदर योगदान देना चाहिए। और जहां रेलवे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए आधार बने हुए थे, अब रेलवे जो है सभी के लिए है, रेलवे फॉर ऑल है। और ऊंचे और नीचे की जो खाई है उसको कम कर दी गई है। हर नागरिक समानता के साथ में, गर्व के साथ में अपने शहर में रेलवे का उपयोग कर सकेगा। यहाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन और जयपुर जंक्शन दोनों के अंदर प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि अब जयपुर शहरवासियों को और अच्छी उच्च सुविधाएं हैं वो प्राप्त होगी और ये रेलवे एक मील का पत्थर जयपुर शहर के विकास के लिए साबित होगा। पर्यटन की दृष्टि से भी मील का पत्थर साबित होगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प की योजना के तहत गांधीनगर जयपुर में जो यहाँ पर इनोग्रेशन किया है, निश्चित तौर पर गांधीनगर रेलवे स्टेशन को जयपुर के सांसद रामचरण जी बोरा के प्रयासों से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का कायाकल्प यहाँ 211 करोड़ रुपए की राशि गांधीनगर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए दिए, जयपुर के समस्त नागरिक, जयपुर की जनता और यहाँ उपस्थित समस्त नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और जयपुर सांसद रामचरण जी बोरा का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमें गांधीनगर में विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी। भारतीय रेलवे का जो आज दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन है और आप बात करें भारतीय रेलवे की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे भारत में 582 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया है और आज उनका वर्चुअल रूप से उनका उद्घाटन किया है। अभी हम मौजूद हैं जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सहूलियत यात्रियों को दी है और रेल यात्रियों में जो सफ़र करते थे, जो मध्यम परिवार है, उन तबके के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और जो रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प होगा उनके चलते आधुनिक जो सुविधाओं से युक्त जो मशीनरी है उनका उपयोग आम यात्री कर पाएंगे। अभी हम मौजूद हैं जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ मेरे पास ऐसे यात्री मौजूद हैं जो यहाँ पे दैनिक यात्रा करते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो 582 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है, क्या सोचती हैं? तो मेरा नाम निहारिका है, मैं जयपुर बेस्ड ही हूँ और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ नरेंद्र मोदी जी ने प्रोवाइड करी है यात्रियों को जो डेली यहाँ पे रेलवे से यात्रा करते हैं। आप देखेंगे पार्किंग फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी है, हमेशा पार्किंग इश्यूज आते रहते हैं लेकिन पार्किंग फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दी है और फूड कोर्ट भी बनाया, बाई एनी चांस किसी को अगर ज़रूरत हो तो वो फूड कोर्ट भी बनाया है। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ नरेंद्र मोदी जी ने प्रोवाइड की है और काफ़ी अच्छा है ये जो रीडेवलपमेंट हुआ है रेलवे स्टेशन का, ये सबके लिए एक बहुत ही राहत भरा डिसीजन है। आप किस तरह देखते हैं? मोदी जी के नेतृत्व में जो 582 स्टेशनों का जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत जो गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन है जिसमें फर्स्ट इंडिया का कॉन्कोर्स लेवल का जो अपना स्टेशन बनाया जा रहा है, उसमें जितनी फैसिलिटीज़ जो एयरपोर्ट में दी जाती है वो फैसिलिटीज़ आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन में दी जा रही है, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे पास और यात्रीगण मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे किस तरह देखते हैं आज जो रेल का जो दिन रहा है। जी सर, आज का बहुत अच्छा दिन रहा, सीधे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 508 अपने पुनर्विकास कार्य में जो उसने घोषणा की है, इसलिए बहुत बहुत यात्रियों को जो सुविधा मिलेगी। हाँ, सुविधा बिल्कुल मिलेगी जी, यहाँ भी आते हैं बहुत बढ़िया है और आगे भी चल के यहाँ एयरपोर्ट का जो हमें एयरपोर्ट पर देखने को मिलता है वो सुविधा भी रेल स्टेशनों पर मिलेगी। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इससे सभी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अब हम अपनी अम्मा जी को इस बाथरूम की व्यवस्था देख रहे हैं कहीं है कि नहीं, यहाँ पर वो परेशान हो रही हैं, बता रहे हैं इधर आगे है। तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, इसमें देश के लिए बहुत अच्छा प्रगति का मामला है, विदेशी लोग भी आते हैं या पर्यटक आते हैं तो हमें बड़ी खुशी का माहौल है आज यहाँ पर। मेरे साथी सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार जयपुर।